अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम् अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य दैवस्योत्तमन्वन्तरः द्वितीयपदार्धः दक्षिणायनः शरतऋतुः अश्विनमासस्य कृष्णपक्षचतुर्थी तिथिः शनिवासरश्च चुकाब्द त्रिविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतम् विक्रम संवत् अष्टसप्तत्यधिक द्विसहस्रम् सेप्टेम्बर् मासस्य पंचविंशतिः तारिका अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मंगलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। जने दुष्ट उद्धत और अत्याचारी राजा थिले। दिनकर घटना राजदरबार रे पहुंचिले जने सन्यासी। राजा सेतबेला को दरबार रे आस्फालन करी कहुथिले मु सुनिया से जे कृतकर्मर फल एई जन्म रे मिलि थाए किंतु मु ता स्वीकार करे नाही। मु भावे मनीष हेउछि सर्वशक्तिमान एवं ईश्वर दुर्बल। सेथि लागि ईश्वर दुर्बल मानको कृतकर्मर फल दिए एवं मो भली शक्तिशाली मानको कर्म फल देबाको भय करे। एक कथारे समस्ते भयरे उपचक सम्मत हेले। एई समय रे सन्यासी पहुंची जीवारु राजा सही समान कथा सन्यासी को कहि तांको ठारु प्रतिक्रिया चाहिले। सन्यासी कहिले महाराज सत कथा ती हेला मनीष जे कर्म करे तार फल भगवान ताको तत्क्षणा दे दियंती। सेति लागे क्षणीय मध्य अपेक्षा करिया को पड़े नाही किंतु लोके ता बुझी पारंती नाही। आपनक कथा देखंतु आपण जन्म नेला बेले सब नवजातकों भली थिले जने देवशिशु किंतु कालक्रमे आपण को निज कला कर्म आपण को जने नराधम राक्षस रे परिणत कलाणी। एहा हेउछि आपण को कृतकर्म लागि भगवान देथिबा दंड। आपण नरहत्या कले बोली ईश्वर दंड स्वरूप आपण को जीवन नै जिवे ए भली नुहि। एहा मनुष्यर विचार ईश्वरक विचार रे आपण को लागि दंड हैला आपण को परलोक रे आपण को राज्यवासी अश्रु नझराई उत्सव पालन करिवे। एहा आपण को कृतकर्मर फल।